बच्चों आज हम लोग सीखेंगे चार अक्षर से बने वाक्य। ठीक है, पहला पहला शब्द लिखा है उपवन। उपवन, उपवन, उपवन से क्या बनाते हैं? उपवन तक चल बनाइए। तो उपवन, उपवन तक तक चल चल, उपवन तक चल। बरगद, बरगद क्या लिखेंगे? बरगद पर मत चढ़। ठीक है, क्या लिखे हम लोग? बरगद पर मत चढ़। इसके बाद क्या लिखा है? कसरत, कसरत, कसरत। क्या वाक्य बनाएंगे हम लोग? कसरत कर। ठीक है, सभी बच्चों को सुबह सुबह उठ के कसरत करनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? झटपट, झटपट, झटपट से क्या लिखेंगे हम लोग? झटपट घर चल। लिखिए तो झटपट, झटपट घर घर चल चल, झटपट घर चल। इसके बाद क्या लिखा है? अचकना, अचकन। क्या बनाएंगे? अचकन पहन। ठीक है, अचकन का मतलब होता है कुर्ता। अचकन, अचकन पहन, पहन। सभी वाक्य बनाने के बाद वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देना ना भूलें, तभी वाक्य पूरा होता है। किसी भी वाक्य को बनाने के बाद उसमें पूर्ण विराम दिया जाता है। सभी शब्द लिखने के ऊपर में उसके ऊपर एक सीधी रेखा, सोई रेखा दी जाती है। ठीक है, इस तरह से ये सोई रेखा दी जाती है। ठीक है, ये तभी ये शब्द कंप्लीट होता है। उपवन, उपवन तक चल। बरगद पर मत चढ़। कसरत कर। झटपट घर चल। अचकन पहन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।